जो बवाना में रिसेंटली 20 तारीख को जो फायर इंसिडेंट हुआ, ये इस तरह का पहला घटना नहीं है। इससे पहले भी नरेला में आग लगते रही है, बवाना में भी इंसिडेंट्स हुई हैं। यहाँ भी हमने जांच के दौरान पाया कि कैजुअल्टीज जितनी रिपोर्ट की जा रही हैं वो उससे ज़्यादा है। आसपास के मजदूरों का कहना है कि उस दिन उससे ज़्यादा वर्कर काम कर रहे थे। जो टी वेंडर है उसका कहना है कि वो अंदर ज़्यादा चाय लगा लेके गया था, और जो संख्या रिपोर्ट की जा रही है वो कम है। उसके अलावा पूरे औद्योगिक क्षेत्र के अंदर किसी भी फैक्ट्री में आप अभी चले जाओ, किसी भी फैक्ट्री के अंदर न्यूनतम वेतन लागू नहीं होता है। 13,584 जो 8 घंटे काम का 26 दिन का वेतन है हेल्पर ग्रेड में, वो भी यहाँ पे नहीं मिलता है। 12 घंटा काम का एवरेज पेमेंट यहाँ पे 7,500 रुपया। अगर कोई महिला मजदूर है तो उसका पेमेंट और कम होता है। हम मानते हैं ICCQ से कि जब तक मजदूर अपनी यूनियन नहीं बनाते हैं, उनका यूनियन बनाने का अधिकार उनको नहीं मिलता है, तो सारे श्रम कानून, सारे अधिकार वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। या जो शोक सभा का जो हमारा कार्यक्रम है, तो तमाम ट्रेड यूनियनों की तरफ से है ये CI2 सहित, और इस बात को लेकर है कि जो 18 मजदूर जो है ये जिनकी जो है अकाल मृत्यु जो हुई है, इसके मालिकों की लापरवाही भी है इसके अंदर, और प्रशासन की भी लापरवाही है, और जो पूर्ण रूप से इसमें जो है केंद्र सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि देश के अंदर मजदूरों ने जो 44 श्रम कानून लड़कर हासिल किए थे, उन 44 श्रम कानूनों के अंदर ये भी आता है कि कारखाने के अंदर मजदूरों का काम कराने का सुरक्षा के क्या इंतजाम है। 3-4 सालों के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि कारखानों के अंदर पहले जो लेबर इंस्पेक्टर जाते थे चेकिंग करने के लिए, ऑडिट करने के लिए कि मजदूर किस हाल में काम कर रहा है, सुरक्षा के इंतजाम है या नहीं है, वहाँ पर श्रम कानून 44 लागू है नहीं है, तो इंस्पेक्टरों का जाना, जो ये सरकार इसमें अपनी ये दलील दे रही कि हमने इंस्पेक्टर राज ख़त्म कर दिया, लेकिन एक तरह से इंस्पेक्टर राज ख़त्म करने की बात नहीं है, ये मजदूरों के अधिकारों का हनन करना है, और मजदूरों के एक गले पर छुरी चलाने के समान है। कारखाने के अंदर इंस्पेक्टर नहीं जाएगा तो ये कैसे जानकारी मिलेगी कितने मजदूर पक्के रजिस्टर पर है, कितने कच्चे रजिस्टर पर है। कारखाने के अंदर इंस्पेक्टर नहीं जाएगा चेकिंग के लिए तो ये कैसे जानकारी मिलेगी कितने मजदूर ESI में कॉरपोरेशन में कवर्ड हैं, कितने नहीं हैं। इंस्पेक्टर कारखाने के अंदर नहीं जाएगा तो ये कैसे जानकारी मिलेगी कितने मजदूरों PF में कवर्ड है, कितने नहीं हैं। तो इंस्पेक्टर पहले जाता था तो मालिक को एक भय होता था, तो इन 3 सालों के अंदर इंस्पेक्टर राज ख़त्म करने का बहाने से इन्होंने इंस्पेक्टर को भेजना बंद कर दिया है, और श्रम कानूनों के अंदर जो संशोधन का नाम दे रहे हैं ये, तो संशोधन किसके लिए है? ये संशोधन जो है खुल्लम खुल्ला मालिकों को संशोधन के नाम पर श्रम कानूनों को पंगू बनाया जा रहा है, और मालिकों को खुली छूट दी जा रही है कि जैसे मर्जी मजदूरों को लूटो, जैसे मर्जी मजदूरों पर हमला करो, जैसे मर्जी आप काम करो, आपके 10 घंटे काम करो, 12 घंटे काम करो, उनकी जो मेहनत का जो मेहनताना है वो आप कम दो, ज़्यादा दो, 6,000 दो, 5,000 जो 6,000-7,000 रुपये ये वेतन यहाँ दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कारखाने के अंदर जब काम कराते हैं तो आप देख लीजिए कि कारखाना देखने में ऐसा लग रहा है कि ये कारखाना नहीं जैसे जेल है, बाहर से ताला बंद कराया गया, मजदूरों से काम कराया जाता है। दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये हादसा लोग कहते हैं लेकिन हादसा नहीं है, ये मर्डर है। अगर शायद मर्डर नहीं होता तो गुपचुप फैक्ट्री के अंदर बाहर से ताले नहीं होते, अंदर से ताले नहीं होते, और जो हादसा हुआ मजदूर अपनी जान बचा लेते। लेकिन ये कंपनी, ये फैक्ट्री जो है चोर बाजारी से चल रही थी, गुपचुप चल रही थी, और इसमें दिल्ली सरकार और MCDB का भी साथ था। उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जनता के लिए अच्छे दिन नहीं रहे, उनके लिए जरूर और उनकी पार्टी के लिए आए गए हैं।